इस समाचार के सह प्रायोजक है घर संसार, जहां उपलब्ध है एक नहीं 51,000 वैरायटियों के साथ कम दाम में अच्छी क्वालिटी का सामान। स्थान भोलाराम उस्ताद मार्ग एवं होटल किंग्स पार्क सयाजी के सामने, विजयनगर इंदौर। इंदौर के सेंट्रल मॉल में एक महिला सफाई कर्मी के साथ रेप की घटना मॉल के बाथरूम में ही सामने आई। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे ही मामले में उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। पूरा मामला इंदौर के छोटी ग्वाल टोली थाना क्षेत्र के सेंट्रल मॉल का बताया जा रहा है। सेंट्रल मॉल स्थित अवनी सिनेमा घर के एक युवक ने सिनेमा घर में ही सफाई का काम करने वाली एक महिला के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। वहीं पीड़िता के साथ जोर जबरदस्ती कर धमकाने के साथ ही उसके साथ रेप की घटना को अंजाम देने के साथ ही आरोपी चिरंजीवी ने ये भी धमकी दी थी कि यदि इस बात की जानकारी किसी को दी और शिकायत की तो उसको और उसके परिवार को जान से मार दिया जाएगा, जिसके कारण पीड़िता काफी डर गई और पिछले काफी दिनों से डिप्रेशन में रहने लगी। लेकिन पिछले दिनों से एक संस्था के बारे में जानकारी लगी और संस्था ने पहले पीड़ित महिला की काउंसलिंग की, उसके बाद महिला थाने पर पूरे मामले की शिकायत की। वहीं महिला पुलिस ने इस पूरे मामले में पीड़िता की शिकायत पर मूलतः पश्चिम बंगाल के रहने वाले युवक के खिलाफ रेप और धमकाने की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया। पूरे ही मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे काफी बारीकी से पूछताछ की जा रही है। आइनॉक्स सिनेमा है जिसके की टॉयलेट है, वहाँ पर एक सफाई कर्मी है जिसके द्वारा इनका जो बॉस है, जो एक कॉन्ट्रैक्टर है जो सफाई का ठेका लेता है, उसके द्वारा उसको ये बोला गया महिला को कि पुरुष शौचालय को साफ करे, तो इस आधार पर उसने मना किया। फिर जबरदस्ती उससे बोला कि साफ करने का दबाव बनाया गया। जब वो गई तो उसके साथ गलत हरकत की गई और प्रयास किया गया और उसके साथ गलत काम किया गया, तो इस आधार पर दुष्कर्म की विभिन्न धाराओं के तहत केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। और जो सफाई कर्मी है उसका जो बॉस है, बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्टर है, वो पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। आरोपी को महिला थाने के अंदर गिरफ्तार किया जाकर उसको जेल भेज दिया गया।